कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण बनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैवरन में रलत है एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की पैल ठैल सैल उछलत है और तारा सुतरनी धूरी धरा में परत जी में थारी पर पारा पारा वार यो हलत है। अब बताइए इससे बढ़िया रैप मिलेगा कहीं, इससे ज्यादा टंग ट्विस्टर कोई मिलेगा कहीं, इससे ज्यादा राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलेगी कहीं, इससे ज्यादा उत्साह मिलेगा। उसकी बजाय अंग्रेजी के आतुकांत शब्दों को जोड़कर रैप बनाते हो मेरे भाई, भाषा की महानता देखो, संस्कृति की विराटता देखो, उसके अंदर मिलती हुई प्रेरणा देखिए, तो सारी की सारी चीजें आपको एक साथ नजर आती हैं। इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं, फिर भी कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने की होती हैं। जानते हैं क्या होता है, हमारे सारे धर्म ग्रंथ कुछ प्रेरणा देते हैं। जब माता सीता का हरण करने के लिए रावण आया था तो आसुरी वेश में आया था क्या? साधु का वेश बना के आया था। तो अक्सर आसुरी शक्तियां साधु का आवरण ओढ़ के आती हैं। वो अपने को कहती हैं हम लिबरल हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, हम तो ओपननेस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। और इतनी मजेदार बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जानते हैं कौन सी दो शक्तियां एक हो जाती हैं जो सीए के आंदोलन से आते हैं, देखो, लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट और फंडामेंटल कम्युनिस्ट और फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। और मजे की बात यह है कि आप दुनिया में एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई, चाहे रशिया हो या चाइना। और एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित ना हो। अच्छा चलिए, एक कम्युनिस्ट देश बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो और एक मुस्लिम देश बताइए जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। तो गजब है साहब, पूरी दुनिया में जो एंटीथीसिस है फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबरलिज्म के, और इतना ही नहीं एक दूसरे से ऐसे दुश्मनी है, मतलब उसको शब्दशः न लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, सांप नेवले की लड़ाई है। वो यहां पे आके एक होके हमको लेफ्ट लिबरल होने का ज्ञान देते हैं। इसे ही कहते हैं कि कैसे आवरण में धरकर आता है और आपसे कहता है मर्यादा की सीमा के बाहर आ जाओ लक्ष्मण रेखा के। और गलती से कोई चला जाए तो बस फिर क्या गति होती है, तो रावण के चंगुल में जाना पड़ता है। इसीलिए, और वो चीज क्या है, अब एक और बात समझिए, एक दूसरे प्रकार का भी रावण आ रहा है जिसे समझना चाहिए। थोड़ा सा विषय लेके बताना चाहता हूं, ये रावण के 10 ही सिर क्यों थे, 8 या 12 क्यों नहीं, 20 या 25 क्यों नहीं, और एक सर कटता था दूसरा क्यों उगाता था, और अगर 10 ही सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों था, 10 मुख वाला क्यों था, 10 शीश 10 ग्रीव 10 कंधर 10 उदर क्यों नहीं था। एक्चुअली में रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं, और दशानन इसलिए कि 10 इंद्रियों की खुली हुई बहिर्मुखी पिपासा, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। एक सर कटेगा दूसरा उगाएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक किसी इंद्रिय की इच्छा पूरी करो, इमीडिएटली इट विल रिप्लेस बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। इसलिए यानी क्या है, वही जो आजकल कंज्यूमरिज्म मार्केटिज्म बच्चों को पढ़ा रहा, दिल मांगे मोर, और चाहिए हर गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो 3 प्रकार की ड्रेसेस चाहिए, 6 प्रकार की स्ट्रिप्स चाहिए, जूते अलग प्रकार के चाहिए, फिर ये भी खाने में चाहिए, 56 प्रकार की आइसक्रीम चाहिए, वगैरह वगैरह। और वो 10 इंद्रियों, और उसको कभी समाप्त नहीं हुआ, एक सर कटेगा दूसरा उगाएगा। जिस दिन आपके पास कार आएगी आपको बड़ी कार की चाह हो जाएगी, फिर मर्सिडीज, फिर BMW, फिर प्राइवेट जेट, और प्राइवेट जेट में भी सुपरसोनिक जेट, और फिर पता नहीं क्या क्या होता रहेगा, उसका कोई अंत नहीं रहेगा। तो आखिर में उसको समाप्त कौन करेगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी, राम समाप्त करेंगे। राम शब्द का अर्थ है रमन्ते इति रामः, रम शब्द का अर्थ होता है रमना, किसी में सेटिल होना, रमणीक स्थान, रमता जोगी, रमन्ते इति रामः, वह तत्व जिसमें सारा संसार सेटल्ड है, द एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज बिहेल्ड, वह एब्सोल्यूट एलिमेंट है राम। और राम के पिता कौन है, दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रथ लेंगे तो हृदय में वो एलिमेंट पैदा होगा जो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करेगा। तो रावण कई प्रकार से आ रहा है, वो लेफ्ट लिबरल बन के भी आ रहा है, और वो बनकर, और देखिए कितनी मजेदार बात है, महिला एक्टिविस्ट जो लेफ्ट लिबरल थी, जो मिनी स्कर्ट पहनने को लेकर तो बहुत आक्रामक हो जाती थी, और वही हिजाब के साथ खड़ी थी बुरके के साथ, मतलब इससे बड़ा आप डाइकोटोमी ऑफ द करेक्टर नहीं देख सकते। और इतना ही नहीं, वो ट्रिपल तलाक और हलाला के भी पक्ष में खड़ी हुई थी, इससे ज्यादा आप मजाक क्या समझ सकते हैं कि इसका मतलब उनका किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं था किसी भी चीज से, केवल उनको
एक धर्म संस्कृति के बारे में बात करें वो करनी थी, इसलिए मैं कहता हूं उस रावण को समझिए भली भांति और उसका प्रतिकार करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि देखिए और अपनी लक्ष्मण की मर्यादा रेखा न लांघिए, क्योंकि रावण आजकल जानते किस रूप में आ रहा है कि वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हैं, संग गीत था टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। तो समझिए वो उस रूप में आ रहा है। और फिर अंत में कहता हूं मगर अब जरा गौर से देखिए ये देश जा कहां रहा है। दो मिनट और लेता हूं। जिसको लोग कहते हैं ना ये तो बड़ा एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया है, वो एक्सट्रीम राइट विंग की डेफिनेशन हर 20 साल में बदल जाती है और वो राइट विंग अब सेंट्रिस्ट आइडिया हो जाता है। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। 1905 में जब लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज की बात कही थी तो उनको क्या कहा गया था, राइट विंग फंडामेंटलिस्ट। ये क्या बात कर रहे हैं, अरे भाई वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात थी, पूर्ण स्वराज की बात कहां से ले आए, ये तो एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया है। लोगों ने कहा यह हो ही नहीं सकता, यह असंभव है, अरे अंग्रेज के राज में सूरज नहीं डूबता है। ये 1905 का दशक था। आपने देखा 20 साल गुजरे, तिलक के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, द मूवमेंट फॉर स्वराज हैज बिकम अ रियलिटी। यानी जो राइट विंग आइडिया था वो अब मॉडरेट एंड एक्सेप्टेड आइडिया हो गया। अब वहां राइट विंग कौन थे, कांग्रेस के अंदर का जिसको हिंदू एलिमेंट कहा जाता था या हिंदूवादी विचारधारा के नेता कहे जाते थे, सरदार पटेल, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय। और 20 साल गुजरे 47 स्वतंत्रता के बाद, ये सब सरकार के हिस्से हो गए। अब ये एक्सेप्टेबल हो गया राइट विंग। अब राइट विंग का प्रतीक कौन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं 50 के दशक में। और 20 साल गुजरे, याद करिए 60 के दशक का अंत होते होते पुराने लोगों को याद होगा कि लोहिया जी और दीनदयाल जी के बारे में कहा जाता, दीनदयाल जी ने कहा लोहिया जी राष्ट्रवादी समाजवादी हैं और लोहिया जी ने कहा दीनदयाल जी समाजवादी राष्ट्रवादी हैं, और हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बन गई कई राज्यों में। अब वो एक्सट्रीम राइट विंग आइडिया मॉडरेट एंड एक्सेप्टेड हो गया। अब 70 के दशक में राइट विंग का प्रतीक कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और 20 साल गुजरे 90 का दशक, अब अटल जी एक्सेप्टेबल थे, अब अडवाणी जी राइट विंग थे। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे कह रहे हैं, बताइए कैसे हो सकता है। और 20 साल गुजरे 2010 का दशक, अब अडवाणी जी स्वीकार थे, मोदी जी राइट विंग है। मगर आप 125 साल में देखिए वो उत्तरोत्तर द डायरेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इसलिए आप यह विश्वास रखिए कि नियति ने तय कर रखा है कि अगले 20 साल बाद क्या होने जा रहा है, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। जिन्होंने इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसपे मैं मजाक में कहना चाहूंगा, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती थी, घर में जो चीजें बहुत पुरानी हो जाते हैं तो कहते हैं भाई ये पुराने हो गए कपड़े, पुराने, फिर कहते हैं बहुत पुराने हो गए, फिर अगली स्टेज होती पुराने धुराने हो गए, फिर होता है कि फटे पुराने हो गए।